हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मेरा नाम जितेंद्र और सोन में प्लान कर रहा हूँ एक शॉर्ट राइड एंड उसके लिए मैंने लिया हुआ है ये फिगो का सील स्पोर्ट्स मॉडल एंड इसमें ही सेम पिलियन के लिए मॉडल आ रहे हैं एंड इसका प्राइसिंग, डिटेलिंग, फीचर्स सब जानेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये है थिनेस्ट, मतलब सबसे पतला ये मॉडल बनाया गया है। इसको बोला जा रहा है कि हाफ सेंटीमीटर सिर्फ थिक है, जिससे कि आपका राइडिंग पोजीशन जो है ना वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है एंड आपको जो जर्क मिलता है ना वो 50% तक, अप टू 50% तक रिड्यूस होता है। मतलब जो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या फिर आप रफ रोड पर कर रहे हैं या फिर हाईवे पर चला रहे हैं, लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो आप ईजिली 2x कर सकते हैं, मतलब डबल आप राइड कर सकते हैं, बिकॉज आपको उतना ज़्यादा बैक पेन या पेन नहीं होगा। तो वो वैसी ही सारी डिटेलिंग इस व्लॉग में बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, उसका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो जब आप इसको बाय करते हैं तो ये मॉडल तो मिलता है, साथ में आपको इसके साथ में एयर ब्लोअर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि पहले हाइजीन का प्रॉब्लम लगता था कि मुँह से ही ब्लो करना पड़ता था। अब आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इससे ही आप हवा जो है वो फिल कर सकते हैं। एंड इसके साथ में आते हैं दो स्ट्रिप, जिसमें 4 पंचर आप बना सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 पंचर पैच हैं, आप उसको इजीली पंचर बना सकते हैं। अगर बाई चांस कोई कील, नील या ऐसा कुछ इसमें गड़ जाता है, पंचर हो जाता है, लीकेज हो जाता है, तो आप उसमें डायरेक्टली पंचर बना सकते हैं। एंड इसके साथ में आता है इसका रेन कवर, ये जो आप देख रहे हैं वो रेन कवर है। अगर बारिश हो जाती है तो आप इसमें रेन करके, मतलब इसको आप कवर करके रेन से बचा सकते हैं, क्योंकि ये मैश फैब्रिक है। ठीक है, तो आप थोड़ा और डिटेल जाते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, अब हम जानते हैं फिगो सील स्पोर्ट्स के बारे में। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं टोटली ये मैश फैब्रिक है, जिससे कि एयर वेंटिलेशन जो है वो बना रहता है, तो आपके पिछाड़ी की तरफ में ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। एंड यहाँ पर है फिगो का लोगो एंड यहाँ से आप एयर ब्लो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एयर ब्लोअर साथ में ही आता है, तो इससे आप एयर ब्लो कर सकते हैं। एंड अगर बैक साइड में आए तो ये जो फैब्रिक कहा जा रहा है वो मतलब आपके जो पोजीशन है उसको ख़राब नहीं होने देता और जो सीट होता है उससे चिपक के रहता है, तो वो फैब्रिक है। जो स्ट्रैप्स जो दिए हुए हैं इसके साथ में वो इलास्टिक स्ट्रैप्स हैं, तो आप स्ट्रेच इजीली हो जाते हैं। आप अपनी गाड़ी में, कोई भी गाड़ी, कोई मॉडल, आपका स्कूटर हो, स्कूटी हो या फिर स्पोर्ट्स बाइक हो, तो आप किसी में भी इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको डिटैचेबल स्ट्रैप्स मिल रहे हैं, तो आपको बार बार खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो इसको प्रेस करिए और यहाँ से निकालिए, और ये ईजिली यहाँ से आप इसको डिटैच भी करते हैं और अटैच करना भी बहुत ईजी है। सेम और वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, और ये अटैच भी हो गया, तो ये डिटैच और अटैच करना भी बहुत ज़्यादा इजी कर दिया गया। तो यहाँ से ये जो है वो सीट निकलती है एंड थिकनेस, जैसे कि मैंने कहा था, आप थिकनेस देख सकते हैं कि हाफ सेंटीमीटर का ही थिकनेस है इसके अंदर। तो अभी तो मैंने इसको लास्ट 3-4 डेज से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर राइड के, क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना था और मेरे को जब लॉन्ग राइड पे जाना हो तो मैं ऑलरेडी इसके लिए हैबिचुअल हो जाऊँ सीट में, क्योंकि सीट का हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, वो तो मैंने देखा है। और जो मेरे यहाँ पे ऑफ रोड है, मतलब जहाँ पर गड्ढे हैं, जहाँ पर रोड ठीक से नहीं बनी है, वहाँ पे जर्क भी बहुत कम हो जाता है। मतलब जो रेगुलर जो पहले जो लगता था उससे जर्क, क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक सीट मेरे में लगी हुई है वो ज़्यादा कुशन नहीं है। आप देख सकते हैं कितना हार्ड कुशन इसके अंदर होता है, तो जब आप इस पर बैठते हैं तो एक्चुअल में लगता है कि आप सील कर रहे हैं। आप जैसे फिगो फ्लोट का नाम था, जैसे फ्लोट कर रहे हैं वैसे ही सील आप कर रहे हैं इसके ऊपर, ऐसा लगता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें हवा कैसे भर सकते हैं। तो हवा इसमें भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हवा भरने का वॉल्व है इसके अंदर आपको ये ब्लोअर डालना है एंड बस प्रेस करना है, एंड हवा जो है वो भरनी चालू हो जाएगी। तो वो अच्छा किया एक्चुअली हाइजीन के लिए ना, वो जो पहले वाला वॉल्व था जिसमें कि रिवर्स वॉल्व नहीं था, इसमें रिवर्स वॉल्व है कि आप, जैसे मैंने हवा भरा है अभी और मैं निकाल रहा हूँ तो हवा नहीं निकल रही है। हवा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, तो हवा निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये रिवर्स वॉल्व अच्छा किया, रिवर्स वॉल्व बनाया ताकि इसमें आपके जो अंदर की हवा है वो आप जब पहले वाले में, जब मॉडल में जब आप हवा भरते थे तो अंदर से हवा बाहर की तरफ भी आती थी, तो वो अंदर भी जाती थी। तो ये हाइजीन के लिए अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव साइड में एक्चुअल में फिगो ने वर्क किया है। तो हवा जो है ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है इसके अंदर। अब मैं दिखाता हूँ उसको फिट करके। मेरे को ये सीट निकालनी पड़ेगी इसके लिए, तो मैं यहाँ से पुल करूँगा एंड ये सीट को निकालूंगा। सीट को निकालने के बाद में मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल है। मेरे को ये एरिया से चाहे तो आप इसको डिटैच भी कर सकते हैं, जैसे मैं बताया डिटैच करके भी लगा सकते हैं। मैं डायरेक्टली पुल कर रहा हूँ बिकॉज मैंने सेटिंग किया हुआ है उस तरफ से, तो आप इसको ईजिली पहना दिया। और आप ये देख सकते हैं ये सीट रेडी है, अब मुझे सिर्फ इसके अंदर फिट करना है यहाँ पर। रेडी टू गो। मतलब आपने देखा मुश्किल से 1 मिनट का काम भी नहीं है, ईजिली कोई भी ईजिली इसको फिट कर सकता है। एंड अब ये जो है जैसे मैंने बताया था कि हिलेगा बिल्कुल भी नहीं, तो आप इस पर अगर राइड कर रहे हैं तो अभी देख रहे हैं स्पॉन्जीनेस, देख रहे हैं स्पॉन्जीनेस जैसा फील होता है। तो जैसे कि आपने देखा है इसको फिट करना भी इजी है, और इसमें फीचर्ड एक्चुअली बहुत सारी R&D इसमें अभी की हुई है। जो सील मॉडल है उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करके एंड कॉस्ट को भी बहुत रिड्यूस किया गया है। पहले का जो कॉस्ट था वो 1800 1900 2000 के रुपीज़ के आसपास जो कॉस्ट था उसको रिड्यूस करके 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर का मॉडल बनाया गया है, जिससे कि मैक्सिमम राइडर इसका बेनिफिट ले सकें। एंड पिलियंस के लिए भी बनाया गया, जो पैसेंजर हमारे पीछे जो राइडर बैठते हैं उनके लिए भी मॉडल बनाया गया है। दोनों का अगर कॉम्बो बाय करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेलिंग लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। एंड ये प्रोडक्ट एक्चुअल में बेनिफिशियल है, जैसे अगर लेडीज़ हैं, जो लेडीज़ डेली राइड करती हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो लॉन्ग शॉट राइड करते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, एंड जिनके बैक में लोअर बैक में प्रॉब्लम रहती है राइडिंग के वजह से उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो राइडर हो, ये सभी का कॉम्बो ये राइडिंग जो होता है, ये जो सील सीट है फिगो की, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों यहाँ वीडियो का एंड करते हैं। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल कुछ दूंगा मैं, वहाँ पर जाके लिंक भी दे दूंगा मैं। एंड वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। बाय।